Hi friends, welcome to AV Dream Academy. In this session, we are going to learn self-introduction. आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. How you can introduce yourself in front of others, during the interview, during the stranger. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को बता कह सकते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं. Either आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप वहां पे भी कैसे बता सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. राइट, सो हियर आई हैव यू नो सेपरेट ऑल द पॉइंट्स, राइट, लाइक ग्रीटिंग लाइंस क्या होगा, उसके बाद हम अपना नेम या प्लेस कैसे बताएंगे, एम क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगी, ये सारी चीजें हम अलग अलग इसको पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड किए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्रीटिंग लाइंस इज कॉल्ड स्टार्टिंग लाइंस. स्टार्टिंग में आपको क्या बोलना है, राइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग. नाउ यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द टाइम. अगर मॉर्निंग का समय है, देन यू हैव टू से गुड मॉर्निंग. इफ द टाइम इज आफ्टरनून, यू हैव टू से आफ्टरनून. इफ द टाइम इज इवनिंग, यू हैव टू से इवनिंग. गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. हॉनरेबल डायरेक्टर सर, फैकल्टीज मेंबर्स, सीनियर जूनियर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स. इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, या गुड आफ्टरनून या इवनिंग, जो वहाँ पे डायरेक्टर सर हैं, फैकल्टीज मेंबर्स हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, और आपके फ्रेंड हो सकते हैं. वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन. आप सभी को इस ब्यूटीफुल ओकेजन में स्वागत है. टुडे आई एम प्रेजेंट हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. सो शैल आई स्टार्ट का मतलब ये होता है, आप उनसे परमिशन लेते हैं, क्या मैं स्टार्ट करूँ, शो शैल आई स्टार्ट. तो ऑडियंस के आंसर आ सकते हैं येस और नो. नाउ हियर यू हैव टू पॉइंट इट. हाई आई एम कृष्णा फ्रॉम सतना, वेयर आई हैव कलर्ड. जहाँ पे हम येलो कलर किए हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ हम बोल्ड किए हैं, कलर किए हैं, वहाँ पे आपके अपने डेटा होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाई आई एम कृष्णा फ्रॉम सतना. एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर प्लेस, यू हैव टू मैंसन. आप अगर अदर प्लेस से हैं तो वो प्लेस आप मैंसन करेंगे. हाई आई एम कृष्णा फ्रॉम बिहार, आई एम कृष्णा फ्रॉम मध्य प्रदेश. Now you have to, second one is your aim. The aim of my life is to become doctor, teacher, police, private employee, business employee, right? या बोल सकते हैं businessman. ये सभी के सभी क्या है, आपके aim है. The aim of my life is to become. Now you have to change it. The aim of my life is to become doctor. The aim of my life is to become teacher. Now come to the education. So far as my education is concerned, जहाँ तक हमारी education के सवाल है. Now, the red color is for college going students. Red color जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे college going students के लिए. For example, I am pursuing MBA from VITS college and this is my last year. Now you have to write down according to yourself. आप किस कोर्स के लिए क्या कोर्स कर रहे हैं वो लिखना है, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो लिखना है, ये आपके कौन से ईयर हैं. For example, you are doing engineering and you are doing from AKS University and this is your last year. So what you will say? I am pursuing engineering from AKS University and this is my last year. Now this is the color those who have done their graduation. अगर आप graduation कर लिए हैं तो आप क्या बोलेंगे? I have completed my graduation from AKS University in 2019. I have completed my graduation from VITS College in 2015. जो भी आपके हैं वो आप लिखेंगे. Next one is I have completed my schooling from MP board, CBSC board, ICSC board in 2015, in 2014. Now you have to change according to yourself. आपके जो data होंगे उस according change करेंगे. Now come to the education. When you are the schools going student, अगर आप schools going students हैं तो आप सीधे क्या बोलेंगे? I study in class 9th in Naveen School. I study in class 10th in Krishukla Mission School. I study in class 10th in Delhi Public School. जो भी आपके हैं वो आप लिखेंगे. हॉबीज, कम टू द हॉबीज. माय हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट. इफ यू हैव मोर देन वन हॉबीज, यू हैव टू पुट हियर आर एंड हियर इज हॉबीज. इफ यू हैव ओनली वन हॉबीज, आपके अगर एक आदत है तो आप क्या बोलेंगे? माय हॉबी इज सिंगिंग, माय हॉबी इज टीचिंग, माय हॉबी इज डांसिंग. नाउ कम टू द स्ट्रेंथ. एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, सभी के पास अपना स्ट्रेंथ रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? I am very hard working, friendly and honest towards my work. मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत friendly हूँ और काम के प्रति ईमानदार हूँ. Now you can change your strength according to yourself.
आप अपने स्ट्रेंथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल, लेट्स कॉल सिद्धांत। सभी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं जीने का, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ आर स्टी डिसिप्लिन, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहता हूँ, कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, नेवर गिव अप, कभी त्यागता नहीं हूँ, एंड नेवर हर्ट एनीवन, किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ। सो दिस इज द प्रिंसिपल, यू कैन चेंज इट, आप अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर्मेट। नाउ कम टू द फैमिली बैकग्राउंड। सो फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी फैमिली की सवाल है, देर आर फोर मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में फोर मेम्बर्स हैं। आपके फैमिली में जितने मेम्बर्स होंगे वो आपको लिखना है। रिमेंबर यू हैव टू राइट डाउन अबाउट योर ओन फैमिली, अंकल्स आंटी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन योर ओन फैमिली, राइट, योर फादर योर मदर एंड योर ओन सिस्टर एंड ब्रदर्स। माय फादर इज टीचर, माय फादर इज फार्मर, माय फादर इज बिजनेसमैन, माय फादर इज डॉक्टर, जो भी है वो आप मेंशन कर लेंगे। एंड माय मदर इज गुड हाउसवाइफ, इफ योर मदर इज नॉट डूइंग एनीथिंग देन यू हैव टू इन दैट केस यू हैव टू राइट डाउन गुड हाउसवाइफ, राइट, गृहिणी, माय मदर इज गुड हाउसवाइफ। नेक्स्ट होता है कि अगर आपकी मम्मी किसी पोस्ट में है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं माय मदर इज। आई हैव गॉट टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, अगर आपके दो भाई हैं दो बहन हैं तो लिखेंगे आई हैव गॉट टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। इफ यू हैव ओनली वन ब्रदर, सो व्हाट यू विल राइट, आई हैव गॉट वन ब्रदर एंड नो सिस्टर। इफ यू हैव ओनली टू सिस्टर, इन दैट केस व्हाट यू विल राइट, आई हैव गॉट नो ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। If you don't have any brother and sister, in that case, what you have to write? I have got no brother and no sister. Now, the closing line. That's all about my intro. At last, I would like to pay thanks to all of you for listening to me so patiently and attentively. That means, last में आप सभी को thank you बोल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना time दिया है, आपको अच्छे से सुने हैं. And the last one is thank you so much. Right? So now, these all the things you have to speak it continuously.